नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा आप सबका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव में सातवें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सब मुझसे यही उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं राजनैतिक बातें करूंगा, इन 13 सीटों के आकलन पर बात करूंगा, इनके समीकरण पर बात करूंगा, कहां इंडी गठबंधन खड़ा है, कहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन खड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र वाराणसी कहां है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर क्या कह रहा है। इन सारे मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा, ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूं और मैं इस पर बात नहीं करने जा रहा हूं। मन थोड़ा व्यथित है। मन व्यथित इसलिए है कि जून का पहला दिन कल है और आज से नहीं, हमेशा से मई जून की गर्मी की बात होती रहती है। उत्तर प्रदेश सहित देश का अधिकांश हिस्सा भयानक गर्मी की चपेट में है। कई इलाकों में 50 डिग्री के लगभग तापमान पहुंच रहा है। राजधानी लखनऊ सहित पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का बहुत बुरा हाल है गर्मी से, और ऐसे में मत डालने वालों के लिए तो उतना बड़ा कष्ट नहीं है क्योंकि उनके पास सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का वक्त होता है वोट डालने का। उनके घर के नजदीक पोलिंग बूथ होता है, वहां वे वोट डाल सकते हैं। तो ये कष्ट मतदाताओं के लिए तो है जरूर, मगर ये बहुत कम है। वास्तविकता में प्रचंड गर्मी में चुनाव कराने, सातवें राउंड का चुनाव को जून में पहुंचाने का जो निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया, इस पर सवाल तो शुरू से उठ रहे थे मगर इसकी विभीषिका अब सामने आ रही है। चुनावी ड्यूटी करने जा रहे होमगार्ड, 9 होमगार्ड मिर्जापुर में गर्मी की वजह से खाने की लाइन में लगे हुए अटैक पड़ने से उनकी मौत हुई, ऐसी जानकारी आ रही है कि 9 लोगों की इस वजह से गर्मी से मौत हुई है, कर्मचारियों की जिनमें कुछ होमगार्ड भी शामिल है। कुछ अन्य इलाकों से भी इसी तरह से खबर आई, एक जिले से खबर आई कि मतपेटियों की सुरक्षा करते हुए स्ट्रांग रूम में एक पुलिस के उपनिरीक्षक को अटैक पड़ा और उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं इसके पीछे गर्मी जरूर होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से लेकर पहले भी गर्मी का सामना करना पड़ा है कर्मचारी को। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एक कर्मचारी और अधिकारी की ड्यूटी जब लगती है चुनाव में तो उसको कैसे कैसे सामना करना पड़ता है परिस्थितियों का। सबसे पहले उसकी 2 ट्रेनिंग होती है, इसी गर्मी में 2 ट्रेनिंग का सामना प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने किया जो खुले में एक कमरे में तो होती है, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वो परिसर खुला होता है, हजारों की भीड़ में एक कमरा होता है जिसमें चंद पंखे लगे होते हैं, आमतौर से डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है, और वहां वो जाके ट्रेनिंग लेता है, घंटों रुकता है, फिर अगली ट्रेनिंग होती है, फिर वहां अपना मतदान करता है जो बैलेट से होता है। इसके बाद में जिस दिन मतदान है, जैसे कल मतदान है शनिवार को, तो शुक्रवार की सुबह अधिकतम 11 बजे तक वह उस स्थल पर पहुंच जाता है जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं। चुनाव कल है, आज वो 11 बजे तक पहुंच गया। अब यहां उसे 3 घंटे भयानक धूप में 45 डिग्री के तापमान में बिना छाया के, बिना पर्याप्त व्यवस्था के, कहा तो बड़ी बड़ी बातें गई हैं, मट्ठा मिलेगा और मिल्कशेक मिलेगा और एसी मिलेगा, पंखा मिलेगा, चुनाव आयोग ने जो मर्जी आया वो कहा, उस भीषण गर्मी में कर्मचारी इंतजार करता है कि पोलिंग पार्टियां उसकी बस में जो जानी है वो आ जाए। जब बस एक नॉन एसी बस, आप जानते हैं कि आज के सरकारी कर्मचारी जो क्लर्क गेट पे भी है, चपरासी गेट पे भी है, वो अपने घर में वातानुकूलित लगा करके रह रहा। अधिकांश कर्मचारी, 90% कर्मचारियों की वो हैसियत है कि वे अपने घर में एसी में रहते हैं, अपने दफ्तर में भी आमतौर से वे एसी में ही रहते हैं। उनको एक बस में ले जाया जाता है, ये उनकी ड्यूटी का पार्ट है नो डाउट, लेकिन जो होता है मैं वो बता रहा हूं इस प्रचंड गर्मी में। आप सुनिए, वो उस स्थल से मतदान केंद्र की ओर जाता है। मतदान केंद्र 40 किलोमीटर की 50 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी हो सकता है, हो सकता है थोड़ी ही दूर पे हो, हो सकता है 30-40-45 किलोमीटर दूर हो। फिर वो मतदान केंद्र पर पहुंचता है। मतदान केंद्र के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है
कि कर्मचारी जो है के लिए क्या रुकने की व्यवस्था होगी। कोई ऐसा नियम नहीं है, भोजन की व्यवस्था की जा रही है इस बार, लेकिन कर्मचारी के रात में रुकने का क्या प्रबंध होगा इसका कोई इंतजाम नहीं होता। महिला कर्मचारी जिनकी ड्यूटी 7-8 किलोमीटर अपने घर की रेंज में, 10 किलोमीटर की रेंज में होती है, वे तो वापस आ जाती हैं अपने पतियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रात में, वो 10 बजे तक अपने घर वापस आके सुबह उन्हें 3 बजे जागना होता है, क्योंकि उन्हें हर हाल में 5 बजे तक मतदान केंद्र तक पहुंचना है, और खाना वगैरह व्यवस्था करके वे 3 बजे निकल जाती हैं। रात में 11 बजे सोई, वो 3 बजे निकल गई, 3 बजे जागी और 5 बजे तक वे मतदान केंद्र पर पहुंच गई। महिलाओं की पीड़ा इतनी है, लेकिन पुरुषों की पीड़ा का अंदाजा लगाइए। जो पुरुष कर्मचारी हैं उनकी पीड़ा सुनिए। उन्हें रात भर उसी मतदान केंद्र पर रुकना होता है जहां कूलर एसी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, पंखे भी पर्याप्त नहीं होते, मच्छरों से बचने का प्रबंध कोई नहीं होता। अब अपने बिस्तर, अपनी व्यवस्था के तहत वे वहां रुके। चुनाव आयोग की ओर से ऐसी कोई प्रबंध नहीं है कि रात में रुकने के लिए मच्छरदानी, पंखे, कूलर, इन सब की कोई व्यवस्था नहीं होती। उन्हें रुकना है तो रुकना है। पुरुष कर्मचारी सभी रुकते हैं। सुबह शौच का क्या प्रबंध है, पानी का क्या प्रबंध है, नहाने का क्या प्रबंध है, किसी को कोई इससे लेना देना नहीं। अगले दिन भोजन नाश्ता जरूर मिलता है। ये हो गया चुनावी ड्यूटी। अब अगले दिन अधिकांश मतदान कर्मचारी पूरा दिन लाइनों को वोट कराते हैं, मतदाता वोट करते हैं, वे मदद करते हैं, वोटिंग होती है, पूरी निष्पक्षता के साथ होती है, सभी देखरेख में होती है। इसके बाद अनेक प्रोफार्मा कर्मचारियों को भरने पड़ते हैं। 7-6 बजे जब मतदान समाप्त होता है तो कम 7:30 बजे पोलिंग पार्टियां वापस उस जगह पहुंचती हैं जहां मतपेटियां जमा होनी है। अधिकांश कर्मचारी वहां पहुंचते हैं, कुछ महिला कर्मचारियों को छोड़कर अधिकांश कर्मचारी वहां पहुंचते हैं, और रात करीब 10:30 बजे अगर उनकी ईवीएम जमा हो जाती है तो अच्छा है, वरना कभी कभी आधी रात लग जाती है इस पूरे कार्यक्रम को होने में। तो जो कर्मचारी आज यानी शुक्रवार को सुबह 11 बजे पोलिंग पार्टी रवाना होने के स्थान पर पहुंचा है, वह शनिवार की रात करीब 12-1 बजे अपने घर पहुंचता इस प्रचंड गर्मी की स्थिति में। और मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में जो मतदान हुआ उसके अधिकांश कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी का जो अतिरिक्त भुगतान होता है वो अब तक नहीं हुआ है। 1100-1200 रुपए कुछ ऐसे ही है, अधिकांश कर्मचारियों को अब तक वो भुगतान नहीं हुआ। हमेशा हो जाया करता था कैश में, लेकिन इस बार क्यों नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम। तो ये कहानी इस प्रचंड गर्मी में करीब करीब 12 और 24 और 12 लगभग 40 36 से 40 घंटे की ये ड्यूटी, कड़ी ड्यूटी, जिसमें कर्मचारियों की जीवन लीला कहीं दो टूट जाए इसका कोई व्यवस्था नहीं होती। हम पीछे जाएंगे विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 2021 में अप्रैल के महीने पंचायत चुनाव हुए थे। कोरोना की प्रचंड दूसरी लहर चल रही थी, डेल्टा वेरिएंट अपने उफान पर था, परिवार के परिवार लाशों में तब्दील हो रहे थे, मगर उत्तर प्रदेश के निर्वाचन विभाग ने चुनाव नहीं टाले। परिणाम यह हुआ कि उस चुनाव के दौरान 2020 कर्मचारियों की मौत हुई, अधिकारी और कर्मचारियों की। कहने को सरकार ने कोरोना वॉरियर्स का नाम देकर उन परिवारों को 30-30 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के आश्रितों को एक नौकरी भी मिली, मगर क्या किसी व्यक्ति का जाना नौकरी और मुआवजे से बढ़कर हो सकता है? आप मानिए कि एक सरकारी कर्मचारी का परिवार आम तौर से खुशहाल होता है, और क्या वहां पर एक उसके बेटे उसकी पत्नी को नौकरी देकर क्या उस व्यक्ति की वापसी हो सकती? क्या पंचायत चुनाव अगर 2 महीने टल जाते तो इस देश पे ऐसा कौन सा प्रकोप इस उत्तर प्रदेश पे आ जाता, ऐसा कौन सा संवैधानिक संकट आ जाता जिससे कर्मचारियों 2020 कर्मचारियों की जिंदगी उससे बड़ी होती। सरकार ने यह आंकड़ा माना है कि 2020 कर्मचारियों की मौत पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से हुई और मुआवजा दिया सरकार ने। 9 होमगार्ड सहित
12-13 कर्मचारी इस चुनाव में भी 15 कर्मचारी मर चुके, जिनमें से अधिकांश कर्मी की वजह से। क्या चुनाव आयोग को मालूम नहीं था कि जून में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 44, 45, 47, 48 डिग्री तक होता है, खासतौर पर उत्तर भारत में? क्या उनको जानकारी नहीं थी? उनको जानकारी थी, इसके बावजूद पूरी निर्ममता से चुनाव पिछली बार के मुकाबले देर तक कराए गए। पिछले चुनाव का मुझे याद है 2019 में संभवतः 22 मई को रिजल्ट आ गया था, 2014 में 16 मई को रिजल्ट आ गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 मई और 1 जून का अंतर आप इस मौसम में लगा सकते हैं, क्या 16 मई को जो मौसम था क्या आज वो मौसम है? नहीं है, लेकिन निर्मम है चुनाव आयोग, जिसने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कर्मचारियों के परिवार उजड़ रहे हैं। हमने क्या एक जिंदगी की भी कीमत होती है? दुनिया भर के देशों में, अपने ही देश में हमने देखा है कि एक एक जिंदगी को बचाने के लिए अनेक संसाधन लग जाते हैं, और पंचायत चुनाव में 2020 कर्मचारी मर गए, इस चुनाव में भी कर्मचारी मर रहे हैं। जिंदगी की कीमत क्या मुआवजे और नौकरी से बढ़कर नहीं है? चुनाव आयोग को यह सोचना होगा। राजनीतिक चर्चा के दिन मन दुखी है, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं, मगर ये चर्चा बहुत जरूरी है। इस प्रदेश में लगभग 20 लाख कर्मचारी और शिक्षक हैं, शायद इससे ज्यादा ही होंगे, उनकी भी भावनाओं का ख्याल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सब लूट के अमीर हुए जा रहे हैं, सब घूस ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इस प्रदेश का चुनाव कराना कोई मामूली काम नहीं है, यही सरकारी कर्मचारी वो चुनाव कराते हैं। आप सरकारी कर्मचारियों की बात कीजिए जिनको आप निकम्मा कहते हैं, अब 2 दिन के लिए नगर निगम में काम बंद करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा सरकारी कर्मचारी कितना काम करता है। 3 घंटे के लिए रेलवे का कर्मचारी काम ना करे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्मचारी काम करता है कि नहीं करता है। तो 1 घंटे के लिए किसी राज्य की पुलिस काम ना करे तो उफान हो जाएगा, तूफान खड़ा हो जाएगा। पूरे देश में सरकारी कर्मचारी को सम्मान का हकदार है, उसकी जिंदगी की भी कीमत है। चुनाव आयोग, ये चुनाव तो बीत गया, मगर आगे के चुनाव में कृपया ध्यान रखिएगा, आप भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, आपका भी परिवार है। ये घटना दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ख्याल रखिए उन सरकारी कर्मचारियों का जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तनख्वाह सब लेते हैं, वेतन सब लेते हैं, घर सबके होते हैं, आपको भी ध्यान रखना होगा। ये गर्मी बाहर जब लोग निकल नहीं रहे, अफसरों के कमरे के, चुनाव आयोग के अधिकारियों के कमरे के एसी घनघना रहे हैं, ऐसे में वे खुली धूप में 48 डिग्री में काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का ख्याल अभी तो आपने नहीं रखा, अगले चुनाव में जरूर रखिएगा। आज दुखी मन से मैं आप सबको से विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर आप अपने विचार जरूर व्यक्त करेंगे, इसको लाइक करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।